सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। एंड आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं आपके एंड मेरे सभी के फेवरेट गेम के बारे में, जो कि है वैलोरेंट मोबाइल। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं वैलोरेंट मोबाइल की बीटा रिलीज डेट को लेकर, जो नई इन्फॉर्मेशन निकल के आई है उसके बारे में, एंड क्या ये जो डेट निकल के आई है ये सच साबित हो सकती है या फिर नहीं, या फिर ये जस्ट एक मिथ है। तो इसके बारे में आज के दिन यहाँ पे कम्प्लीटली हम लोग बात करेंगे। एंड उसके अलावा और भी कुछ छोटे मोटे अपडेट्स हैं वैलोरेंट मोबाइल के, जो कि इस वीडियो के अंदर हम कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना इस वीडियो को सीधे शुरू करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिएगा। इसके अलावा जितने भी लोग नए हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से आके सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसी तरीके से और भी वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने के लिए मिलती रहेंगी। एंड एक क्विक अपडेट है, वैसे मैंने रिसेंटली एक नया माइक परचेज कर लिया है, जो कि है बोया BY-M1 माइक। आपको याद होगा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि मेरा जो हेडसेट का जो माइक है वो जो खराब होने लग गया, तो मैंने जो है इस नए माइक को अपडेट कर लिया। सो प्लीज से कमेंट्स में बताना कि इस माइक की क्वालिटी आपको कैसी लग रही है। मुझे तो पहले के कंपैरेटिवली काफी हद तक बेटर लग रही है, एंड अब से वीडियो में भी जो है आपको जो है जो वॉइस मिलेगी मेरे व्लॉग चैनल के ऊपर वो काफी अच्छी मिलेगी, HD क्वालिटी में मिलेगी। तो अगर आपको नहीं पता कि मेरा एक व्लॉग चैनल भी है तो उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं पता तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना इस वीडियो को सीधे शुरू करते हैं। तो गाइस, रिसेंटली मैं ट्विटर के ऊपर स्क्रॉल कर रहा था एंड रैंडमली मुझे ये एक ट्वीट दिखाई दिया जिसमें कि लिखा हुआ है, दे अनाउंस्ड वैलोरेंट ऑन 16th October, मे बी वैलोरेंट मोबाइल दिस टाइम, हु नोस। तो देन मैंने इसके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च करनी चालू करी, एंड देन उसके बाद मुझे पता चला कि रायट गेम्स ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आज से लगभग 2-3 साल पहले एक ऑफिशियली वीडियो अपलोड किया था 16th October 2019 को, जो कि आप यहाँ पे डेट देख सकते हो। एंड इस वीडियो का टाइटल है प्रोजेक्ट ए रायट्स टैक्टिकल FPS अनाउंसमेंट। तो रायट ने आज 2 साल पहले ये जो वीडियो अपलोड किया है, बेसिकली ये वैलोरेंट PC के बीटा की अनाउंसमेंट को लेके है। इस दिन उन्होंने जो है उसके बीटा को अनाउंस किया था, एंड जी हाँ, वैलोरेंट का जो बीटा था उसका नाम प्रोजेक्ट ए था। तो 2019 में जो है रायट गेम्स ने वैलोरेंट PC के बीटा को अनाउंस किया था। तो काफी सारे लोगों का ये मानना है, काफी सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस है कि इस साल यानी 2022 में हमको वैलोरेंट मोबाइल की बीटा की अनाउंसमेंट भी इसी साल के अक्टूबर 16 को देखने के लिए मिल सकती है, जो कि डेट अभी काफी नियर आ चुकी है, ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ता ही बचा हुआ है इसको आने में। तो सवाल ये आता है कि क्या हैदरा भाई, ये जो डेट है, क्या ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सही हो सकती है? क्या 16th अक्टूबर को रायट गेम्स जो है वैलोरेंट मोबाइल के बीटा को अनाउंस करेंगे या फिर नहीं? क्या उस दिन हमको इसका बीटा देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं? सो वेल, इन माय ओपिनियन इसके सही होने के 50-50 चांसेस है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आज से कुछ टाइम पहले भी ऐसा हो चुका है कि हम मान के चल रहे थे, जैसे आप 2 जून का ही मान के ले लो, इस साल हमने जो है मान के चला था कि भाई कि 2020 के 2 जून को जो है वैलोरेंट PC रिलीज हुआ था, तो आज से मतलब उसके 2nd anniversary पे शायद ऐसा हो सकता था कि वैलोरेंट मोबाइल भी लॉन्च हो जाए उसी सेम दिन के ऊपर, यानी कि उसके 2nd anniversary पे, यानी कि 2 जून को। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, एंड उस दिन से तो भाई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी ऑलमोस्ट हर एक बंदे की जो कि वैलोरेंट मोबाइल का वेट कर रहा है। बट स्टिल उस टाइम पे भी हमको जो है निराशा ही मिली थी। अगर रायट गेम्स चाहता तो यार अनाउंस तो कर ही सकता था, चाहे बाद में आराम से लाता। सो इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि अक्टूबर 16th को कंफर्म है 100% कि भाई वैलोरेंट मोबाइल का बीटा अनाउंस हो जाएगा या फिर उसका बीटा आ ही जाएगा। 100% कंफर्मेशन नहीं है, बस 50-50 चांसेस है। और अब ये 50-50 चांसेस भी इसी वजह से बन पाए क्योंकि आपको याद होगा रिसेंटली ऑलमोस्ट 1-4 हफ्ते पहले ही वैलोरेंट मोबाइल जो है प्ले स्टोर के ऊपर ऐड हो चुका है, उसका प्ले स्टोर पेज बन चुका है, जो कि रायट गेम्स ने बनाया ऑफ कोर्स। अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हाँ, यही एक वजह है कि रायट गेम्स ने जो है प्ले स्टोर पेज बनाया है वैलोरेंट मोबाइल का, इस वजह से 50-50 चांसेस बन गए हैं कि 16 अक्टूबर को इसका जो क्लोज बीटा है उसकी अनाउंसमेंट हमको देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि अभी जो वैलोरेंट मोबाइल है अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज वो जो है करेंटली चल रहा है इंटरनल टेस्टिंग फेस में, जिसको कि सिर्फ 100 प्लेयर्स ही खेल सकते हैं। तो हाँ, इंटरनल टेस्टिंग के बाद जो अगला नंबर है वो क्लोज बीटा का ही है। जब ये इंटरनल टेस्टिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद जो है क्लोज बीटा का फेस चालू हो जाएगा, एंड देन ओपन बीटा, सॉफ्ट लॉन्च, एंड देन फाइनली ग्लोबल लॉन्च होगा गेम का। इसके बाद एक और यहाँ पे छोटा सा ट्वीट है जो कि मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इस बंदे ने बेसिकली रीजन लिखा हुआ है कि क्यों वैलोरेंट मोबाइल जो है डिले हो रहा है, तो इसका रीजन उन्होंने हाइपर फ्रंट को बताया हुआ है कि जो हाइपर फ्रंट है उसको टैकल करने में रायट गेम्स का मोस्टली टाइम जा रहा हो, आई थिंक ऐसा हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, एंड इट विल हैव लेस पब्लिक टेस्ट एंड मोर फोकस टुवर्ड्स द ग्लोबल रिलीज, यानी कि वैलोरेंट मोबाइल जब हमको देखने के लिए मिलेगा तो इसके पब्लिक टेस्ट यानी कि जो क्लोज बीटा वगैरह रहते हैं वो थोड़े से कम यहाँ पे करे जाएंगे, एंड जो ग्लोबल रिलीज होगा उसके ऊपर मेन फोकस रखा जाएगा। लाइक एपेक्स मोबाइल की तरह नहीं होने वाला है कि 1 साल पूरा क्लोज बीटा के लिए ही खींच दिया जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। सो लेट्स सी आगे जाके क्या कुछ
सही निकलता है, अभी करेंटली तो ये सिर्फ रूमर्स है। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट जो यहाँ पे ट्वीट में आप सभी के लिए लेके आया हूँ वो किया है वैलोरेंट ने ही, एंड वैलोरेंट ने यहाँ पे बोला है इट्स बीन अ हेल ऑफ अ ईयर फील्स लाइक इट माइट बी टाइम टू सेलिब्रेट, यानी कि एक साल हो चुका है हमने सेलिब्रेट नहीं किया है एक साल से। सो काफी सारे लोग कंफ्यूजन में है इस चीज को देख के कि भाई क्या सेलिब्रेट नहीं किया है इन्होंने एक साल से, एंड यही पूछ रहे हैं बेसिकली ट्वीट करके कि व्हाट डज इट मीन। बट कई सारे लोगों के मन में ये भी उत्सुकता जागी है कि भाई यहाँ पे कहीं वैलोरेंट मोबाइल के बारे में तो बात नहीं हो रही है, तो मुझे ये थोड़ा सा सी लगा देखने में, सो इसलिए मैंने आप सभी को दिखा दिया। एंड हाँ, अभी आप लोग जो है वैलोरेंट मोबाइल के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो तो आप सभी को यही चीज कहूंगा कि भाई अक्टूबर 16 का करेंटली वेट करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। जो कुछ भी होता है उस दिन को मैं आप सभी को डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दूंगा अपनी वीडियोस के थ्रू। सो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना इस वीडियो को अगर पसंद आया हो, एंड बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना ताकि आपको किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड हाँ, इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मैं चाहता था इसको छोटा रखना बट एक्सटेंड हो गया थोड़ा थोड़ा करके, उसके लिए सॉरी। बट नाउ फाइनली एंड करते हैं, एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।